गुज़िश्ता सदी के 60 की दहाई में सबसे ज्यादा तेरे बहस शख्सियत शायद इमाम मूसा सदर की हो, जिन्होंने अजम की सरजमी से उठकर अरब की सरजमी पर कदम रखा था। लुबनान का सियासी तबका उस वक्त हैरत में पड़ गया जब उन्होंने जुनूबी लुबनान के शहर ज़ूर की रिहाइश के 8 साल के अंदर ही लुबनान के शिया मुसलमानों के लिए पहली तंजीम की बुनियाद रखी और खुद शिया इस्लामी मजलिसे आला के सरबराह के तौर पर उभर कर सामने आए। और कुछ ही अरसे में लुबनान में हर खास व आम की जुबान पर यही नाम था, सैयद मूसा। उन्होंने लुबनान की सियासी लुगत में लफ्ज़ महरूमीन का इजाफा किया और उसके साथ ही मजलूमों और महरूमों के इमाम के लफ्ज़ का भी इजाफा हो गया। ممثل صاحب الفخامة الأستاذ إلياس تركيز دولة رئيس مجلس الوزراء أصحاب الدولة والعطوفة والسعادة إخواني أصحاب السماحة أيها الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله الترحيب بحضوركم ليس ترحيبا مني إلى هذا البيت الذي طالما فتح ذراعيه لجميع أبناء لبنان हाजमिया वो शहर जिसकी अक्सरियत और पहचान ईसाई है, जहां इमाम मूसा सदर ने शिया इस्लामी मजलिस आला की बुनियाद रखने का फैसला किया ताकि मुख्तलिफ मजाहिब की बाहमी जिंदगी की मिसाल कायम करके आलमी बिरादरी और अमनो अमान के सिलसिले में इस्लामी सियासत का मौके दुनिया के सामने पेश किया जा सके। वो इस्लाम जो दूसरों पर कुफ्र के पतरे थोप कर उसे मिटाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उनके वजूद को मोहतरम जानकर अपना करीमाना किरदार पेश करता है। इमाम मूसा सदर ने सिर्फ मस्जिद के मिंबर व मेहराब में ही नहीं बल्कि चर्च में भी अपने एजाज बयानी से लोगों के दिलों को जीत लिया था। इस किस्म का मंजर लुबनानी सियासत ने पहले कभी नहीं देखा था। ये शख्स मस्जिदों और चर्च में यही कहना चाहता था कि लुबनान हमारा वतन है, हमारे बुजुर्गों ने उसे संवारा है और अब हमें आपस में मिलकर बराबरी के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखकर उसे और निखारना होगा। काला मामा, खूबसूरत बुलंद कद व कामत, लबों पर हमेशा मुस्कुराहट, दिलों को छू जाने वाला अंदाज बयां, उन्हीं चीजों के साथ इमाम मूसा सदर लुबनान के सियासी तबके में ऐसे मुनफरिद आलिम दीन की हैसियत से उभरे जो सियासत के तमाम मैदानों में बराबर से हिस्सा लेकर लुबनान की सबसे बड़ी अक्सरियत के आपसी इख्तलाफात व इंतशार, गुरबत, जहालत और महरूमियत को मिटाना चाहते हैं, उसी तरह पूरे अज़्म के साथ इस वतन में इत्तेहाद की खुशगवार फिजा के मेमार भी हैं, जिसे हुक्मरानों ने कबीलों और ग्रोहों में बांट रखा था। जिस वक्त लुबनान की सरजमी हुकूमत इख्तदार और अपने अपने मफाद की खातिर अरबी कौम परस्ती के शोलों के जरिए भड़काई गई खाना जंगी की आग में जल रही थी, तो ऐसे में इमाम मूसा सदर की अजीम शख्सियत निहायत अहमियत की हामिल थी। इमाम मूसा सदर न दाएं बाजू के साथ थे और न बाएं बाजू के और न ही किसी के रकीब थे, बल्कि ऐसे इस्लामी मसले की हैसियत रखते थे जिन्होंने इब्तदा में कमजोर होने के बावजूद खाना जंगी की आग में खुद ना फंस कर उसे ठंडा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्व कर दी, जबकि लोग एक दूसरे पर अतले ताने हुए थे। इमाम मूसा सदर ने इसराइल के अलावा किसी पर अतला नहीं उठाया। लुबनान की खाना जंगी की किताब में किसी भी सफे पर इमाम मूसा सदर का नाम नहीं मिलता। वो लुबनान में जंग व जेदाल के नहीं बल्कि अमन अमान के अलम्बरदार थे। अगस्त 25, 1978 को मिडल ईस्ट एयरवेज का जहाज शहर त्रिपोली के हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें इमाम मूसा सदर के हमराह शेख मोहम्मद याकूब और नामवर सहाफी अब्बास बदरुद्दीन भी मौजूद थे। वो तीनों कर्नल मुअम्मर कज़ाफी के रस्मी दावत नामे पर वहाँ गए थे। मुलाकात का मौजू था लुबनान की खाना जंगी की राह हल की तलाश, लेकिन क्या ये मुलाकात वकू पजीर हुई? यहीं से उन सवालों का सिलसिला शुरू होता है जिसकी ना कोई इंतहा है और ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब। 27 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, अभी भी इस अहम सवाल का कोई जवाब नहीं।
कज़ाफ़ी ने मूसा सदर के साथ क्या किया? क्या अभी भी वो असीर हैं या शहीद कर दिए गए? अगर कज़ाफ़ी ने उन्हें शहीद कर दिया तो उनके जसद मुबारक को कहां छिपाया है? क्या लीबिया के शहर तब्रुक में है जैसा कि बाज लोगों ने कहा है, या अभी भी लीबिया के सहरा में किसी जिंदान में असीर है जैसा कि बाज शहीदों का कहना है? इमाम मूसा सदर आज ना तो शहीद है जिन पर फातिहा पढ़ा जा सके, ना तो असीर है जिनसे मुलाकात की जा सके, बल्कि वो गुमशुदा सरदार है जिनका मुद्दत से हमारी आंखों को इंतजार है। यहाँ एक सवाल रह जाता है और वो ये कि इमाम मूसा सदर को अगवा करने के जुर्म में किस किस का हाथ है? लुबनान की जमीन के हर एक हिस्से पर इमाम मूसा सदर के किस्से रटे हुए हैं कि वो एक लुबनानी रहनुमा है जिन्होंने कौम की हर तरीके से खिदमत की और दुनिया भर में कौम के नाम को रोशन किया, लेकिन लुबनानियों और अरबों में ऐसे लोग कम हैं जो इस रहनुमा की ईरान की रहाइश के बारे में जानते हों। वो मुल्क जहां उन्होंने आंखें खोली और जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा। इमाम मूसा सदर की दास्तान लुबनान से भी वाबस्ता है और ईरान से भी। इस हिस्से में हम इमाम मूसा सदर की ईरान की रहाइश पर रोशनी डालेंगे। शहूर जुनूबी लुबनान की एक आबादी, उसके एक कदीम मोहल्ले में एक पुराना घर है जिसके दरो दीवार पर कुछ नुकुश बने हुए हैं। हालांकि गर्दिश अय्याम ने उन नुकुश को मिटा दिया है जिसकी वजह से उसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। एक ये घर और दूसरा यहाँ से हजारों मील दूर कुम अल मुकद्दसा की सरजमी में भी एक और घर है जिसका पहले वाले घर से गहरा ताल्लुक है। लुबनान और ईरान के इस ताल्लुक की अहम कड़ी का नाम है इमाम मूसा सदर। उन दोनों घरों की अलग अलग दास्तां है जिसे जमाने ने निगल लिया है और जमाने की चोट ने उसके दरो दीवार पर अपने गहरे असर छोड़े हैं। आइए उन दीवारों से गुजरे हुए अय्याम की दास्तां पूछते हैं। सदियों पहले कुछ शिया घरानों ने लुबनान की पहाड़ियों में पनाह ली जो अपने जमाने के जालिम हुक्मरानों के जुल्म से बेजार होकर हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। उन्हीं घरानों में से एक इमाम मूसा सदर का कुनबा भी था। मुहर्रखीन और नस्लो नसब के माहिरीन का कहना है कि इमाम मूसा सदर के चौदहवें जद अबुल हसन ताजुद्दीन थे जो जुबैल और किसरवान नामी जगह पर आबाद हुए जो कि लुबनान की पहाड़ियों के जुनूबी हिस्से पर वाके है। सन 1292 ईस्वी में यहाँ के शियों पर फौजी हमले शुरू हो गए और उस जमाने में वो हमले अपनी इंतहा तक पहुंच गए जब वो मशहूर फतवा दिया गया जिसमें शिया मुसलमानों के खून को मुबाह करार दिया गया था, जिसकी वजह से 1305 में चौथा हमला हुआ जो कि तारीख में हमले फतेह किसरवान के नाम से मशहूर है और उसी से उस खित्ते का नाम किसरवान पड़ गया। एक तवील मुद्दत के बाद लुबनान की पहाड़ियों से हिजरत करके तकरीबन 1658 में इमाम मूसा सदर के अजदाद जुनूबी लुबनान के शहूर नामी शहर में आबाद हो गए जहां वो 268 साल मुकीम रहे और उसी घर में इमाम मूसा सदर के दादा सैयद साले शरफुद्दीन ने भी जिंदगी गुजारी। लेकिन कुदरत की मंशा यही थी कि इमाम मूसा सदर की विलादत अपने आबाई घर से हजारों मील दूर कुम की मुकद्दस सरजमी के मोहल्ले इश्कली में वाके हो। यही इसी कदीम मोहल्ले में खेलते कूदते
इमाम मूसा सदर ने अपना बचपन गुजारा। दिन हफ्ते साल गुजरते गए और इमाम मूसा सदर ने बचपन की सरहदों से गुजरते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखा। सन 1957 में जब उन्होंने कुम छोड़कर लुबनान की तरफ हिजरत की तो कुछ लम्हे अपने घर की चौखट पर खड़े रहे। घर में दाखिल होने के बाद कदीम कुएं के दहाने पर पहुंचकर सूरह फातिहा की तिलावत की, क्योंकि उसी कुएं पर उनके चचा को कत्ल कर दिया गया था जिनका नाम सैयद हिब्तुल्ला था, जो सन 1874 में अहमद जदार के अहलकारों के हाथों शहीद कर दिए गए थे। उसी वाकये के बाद इमाम मूसा सदर के अजदाद ने ईरान और इराक की तरफ हिजरत इख्तियार कर ली, जिसका इख्तिताम सन 1959 ईस्वी में लुबनान के शिया रहनुमा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन की दावत पर इमाम मूसा सदर के लुबनान लौटने और वहां कयाम पजीर पर हुआ। मूसा सदर की लुबनानी दास्तां की इब्तिदा सन 1959 से होती है, जब वो लुबनान की जुनूबी शहर सूर में कयाम पजीर हुए, लेकिन उनकी ईरानी दास्तां की इब्तिदा 4 जून 1928 से होती है, जब कुम अल मुकद्दसा की सरजमी पर उन्होंने आंखें खोली और उनकी विलादत हुई। सैयद मूसा, सैयद सदरुद्दीन सदर और सैयदा सफिया अस्सालिहा बिनते आयतुल्ला सैयद हुसैन तबातबाई के घर के तीसरे फर्जंद हैं। हम 10 भाई बहन हैं, उनमें से कुछ अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे इंतकाल कर गए और कुछ अल्लाह उन्हें तूले उम्र दे मौजूद हैं। सबसे बड़े मेरे भाई सैयद रजा हैं, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। उनके बाद सैयद अली हैं, उनके बाद मेरी बहन सिद्दीका हैं, जो अभी हाल ही में इंतकाल कर गईं। उनके बाद सैयद मूसा है, अल्लाह खैर व आफियत से उनका दीदार नसीब करे। उनके बाद बहन ताहिरा है, बहन मंसूरा, बहन बतूल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करीब 10 साल पहले इंतकाल कर गईं। बहन बतूल के बाद बहन जहरा, फातिमा और रबाब। मेरे ख्याल से आपने हमारे इस घर की फिल्म बनाई होगी। लेकिन सैयद मूसा सदर तो कुम में पैदा हुए थे ना? जी जी हाँ। मोहल्ला इश्क अली में? जी हाँ, उसी घर में। लेकिन अब वो सड़क में ले लिया गया है। जी दुरुस्त है, अब वो सड़क में ले लिया गया है। सैयद मूसा के वालिद आयतुल्ला सैयद सदरुद्दीन सदर कुम में दीनी मदारिस के सरपरस्त थे, जिन्होंने बहुत से तालिबे इल्मों की तरबियत की और मुख्तलिफ रिसाले और अखबारों में मजामीन भी लिखते थे। मुआशरती मसाइल और मुश्किलात के हल में हमेशा शरीक रहे, बहुत से पुल बनवाए, रास्तों की मरम्मत करवाई, कई अस्पताल तामीर करवाए, 15 से ज्यादा इल्मी व दीनी और मुआशरती इदारों को कायम किया और एक इमदाद व ताउन का इदारा भी कायम किया, जिसने दूसरी आलमी जंग के दौरान हजारों लोगों को भूख से निजात दिलवाई। सैयद सदरुद्दीन की शख्सियत उनके माशरती और सियासी मसाइल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की वजह से एक मुमताज शख्सियत बन के उभरी। यहाँ तक कि मर्जियत और हौज़ इल्मिया के हुकूमती मसाइल आयतुल्ला सदरुद्दीन ही के जरिए अंजाम पाते थे। हौज़ इल्मिया के तमाम इज्तिमात, मुतालबात और एतराजात को आयतुल्ला सदर ही संभालते थे। हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदार और अफसर, यहाँ तक कि खुद शाह जब कुम आया करता था तो आयतुल्ला सदर से और हरम मासूमा के एक गोशे में मुलाकात और इनसे गुफ्तगू किया करते थे, और आयतुल्ला सदर उन्हें अवाम और हौज़े इल्मिया के मुतालबात और उनके मसाइल से आगाह किया करते थे और दीनी व माशरती मसाइल पर जोर देते थे। यहाँ तक कि शाह पर भी इस किस्म की मुलाकातों की हैबत तारी रहती थी। यहाँ इन्हीं गलियों में मूसा सदर ने अपना बचपन और लड़कपन गुजारा।
उन पुराने मोहल्लों को उनका बचपन खूब याद होगा जिसकी गली कूचों में वो खेला करते थे। मूसा सदर का इल्मी सफर उनके बचपन ही से शुरू हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त कुम के रूहानी घरानों के बच्चों का कॉलेज में दाखिला लेना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुझे याद है कि इमाम मूसा सदर बहुत ही जहीन थे, हर दर्जे में अव्वल मकाम हासिल करके हमेशा मुमताज रहते थे। सच में उनकी बला की जहानत खुदा दादी थी। उन्होंने कॉलेज के तमाम मराहिल को नहायत मुमताज हैसियत के साथ खत्म किया। मुझे याद है कि इमाम मूसा सदर को खेलों में फुटबॉल बहुत पसंद था, वो कॉलेज के फुटबॉल टीम में भी शामिल थे और कॉलेजों के पहले टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए पहले मरहले में इंतखाब भी हुए थे। इमाम मूसा सदर ने तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया और वो पहले रूहानी और दीनी तालिब इल्म करार पाए जिसने इस जमूत को तोड़कर दीनी और दुनियावी तालीम को मिलाने का हसीन नमूना पेश किया। उनका ये कदम कुम्मी उलमा के घराने में राइज रवाज के खिलाफ था। अलबत्ता उनसे पहले उनकी फूफी यानी आयतुल्ला सदर की बहन ये रिवाज तोड़कर तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। सन 1953 में सैयद मूसा ने हुकूक माशियत में एमए की सनद इम्तियाजी हैसियत के साथ हासिल की और वो आला तालीम हासिल करने के सबब यूरोप जाने के लिए भी मुंतखब हुए, लेकिन वो नहीं गए। इमाम मूसा सदर ईरान में पहले आलिम दीन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो और शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी के उलमा में से थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के शोबे माशियत में दाखिला लिया, क्योंकि उस जमाने में माशी मकातिब फिक्र की सरगर्मियां उरूज पर थी। बाएं बाजू की तंजीम और सोशलिज्म के अफकार मुल्क भर में फैल रहे थे और उसके अलावा दीनी सकाफत में भी उस शोबे की बहुत अहमियत है। उस जमाने में सरमायादारी सूदखोरी पर मबनी माशियत पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी शोबे में दाखिला लिया। मशहूर है कि किसी एक मौजू पर मेरे ख्याल में बैंकिंग सिस्टम के इम्तिहान में उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया था। इस इम्तिहान में किसी बैंक के मैनेजर भी शरीक थे। उस वक्त उस्ताद ने मैनेजर को खिताब करके कहा, देखा हालांकि ये एक आलिम दीन है और सूदी सिस्टम को हराम जानते हैं, उसके बावजूद अवार्ड हासिल कर रहे हैं और तुम इसी शोबे में काम करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते। सैयद मूसा ने दीनी तालीम का आगाज सन 1941 में किया। उस वक्त वो मदरसे सुनाई में जेरे तालीम थे। मूसा सदर अपनी तालीम को गर्मियों में भी जारी रखते थे। हालांकि वो जमाना हौजे में छुट्टियों का होता है, लेकिन मूसा सदर के यहाँ गर्मी की छुट्टी का कोई मफहूम नहीं था, बल्कि उन्होंने उस अरसे में फारसी और अरबी में महारत हासिल करने के बाद अंग्रेजी और फ्रेंच में भी महारत हासिल कर ली। उनकी इल्मी पेशरफ बहुत ही तेज थी, इतनी कि हरेक को हैरत में डाल दिया। वो दौरे जो आम लोग 5 साल में खत्म करते थे, ये 2 साल में कामयाबी के साथ खत्म कर लिया करते थे और कभी भी कोर्स किया हौजरी निसाब की किताबों पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि मजीद मालूमात गहरी और वसी इत्तलात के शौक में वो दूसरी किताबों का भी मुतालिया करते थे। फिक, उसूल, मंतिक, मानी बयान, हदीस, रिजाल और दिराया के साथ साथ और भी मौजूआत का मुतालिया करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में आइंस्टाइन का नजरिया निस्बियत बयान हुआ, सैयद मूसा इस नजरिए के बारे में हर किताब का एक माहिर की हैसियत से बगौर मुतालिया किया करते थे और ऐसे मुतालिये के लिए आला मदारिज की जरूरत होती है। नौजवान मूसा सदर ने इब्तिदा में दीनी तालीम अपने भाई सैयद रजा से हासिल की और फिक्र व उसूल को अपने वालिद की नहज पर हासिल किया और उसी तरह इमाम खुमैनी और सैयद मोहम्मद दामाद के दरियाई इल्म से फैजयाब हुए। अरबी अदब शहीद मुर्तजा मुतहरी से हासिल किया जिन्होंने अदब में काफी महारत हासिल की थी। उन्होंने फलसफा इमाम खुमैनी और फलसफे के सुतून साहिब तफसीरुल मीजान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से हासिल किया
और फिक्र की इश्तेहादी बहस में आयतुल्ला शरीयत मदारी के दर्स खारिज से इस्तेफादा किया। आला जहन और भरपूर मेहनत की वजह से मूसा सदर बहुत जल्द इश्तेहाद के मर्तबे पर फायज हो गए। वो सैयद मूसा के नाम से मशहूर थे, बड़े बड़े कमालात के हामिल थे, खुश किरदार, खुश अखलाक, खुश फिक्र, निहायत ज़हीन और मामलात में निहायत दकीक थे। उन्हीं औसाफ से वो पहचाने जाते थे। तालिबे इल्मों में उनकी शख्सियत बहुत मुमताज थी। दकीक और बारीक बीनी में तेज फिक्र के हामिल थे और दिन ब दिन उनकी फिक्र पुख्ता होती चली जाती थी। यहां तक कि तुल्लाब और रफका अपने फर्जी मसाइल भी उनसे बयान करते थे और उनसे फिक्री मदद हासिल किया करते थे, और वो भी मुश्किलात व मसाइल के हल करने में तुल्लाब की मदद करते थे। नौजवान मूसा सदर के बारे में मशहूर था कि वो हर दर्स को मुख्तलिफ असातिज़ा से हासिल किया करते थे ताकि मुख्तसर अरसे में वो दर्स जल्द अज जल्द हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर फिक्र, जिसके बहुत से अबवाब हैं, वो एक बाब खत्म करके दूसरे बाब को शुरू करने का इंतजार नहीं करते, बल्कि एक साथ मुख्तलिफ अबवाब और उस बाब के माहिर तरीन उस्ताद के पास पढ़ा करते थे। चुनांचे इबादात एक उस्ताद से तो मामला दूसरे उस्ताद से पढ़ा करते थे। इसके अलावा एक ही बाब को मुख्तलिफ असातिज़ा से पढ़ा करते थे, क्योंकि हर एक की अलग राय और अलग दलील हुआ करती थी। उनकी शख्सियत बड़ी अजमतों की हामिल थी। अपनी जिंदगी के हर मरहले में, चाहे वो दर्स हो या तहकीक या माशरती सरगर्मियां, उनकी शख्सियत सबसे मुमताज और अलग हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर आयतुल्ला मूसा जंजानी, जो कि कुम के मौजूदा मराज तकलीद में से है, अपनी तालिबे इल्मी के जमाने में उनके साथियों में से थे। जब वो दोनों मरहूम दामाद के दर्स खारिज में शरीक हुआ करते थे तो वो फरमाते थे कि उस्ताद के नजरिए के सिलसिले में जब मेरे जहन में कोई नुक्ता आता था, और इससे पहले कि मैं अपने जहन में सवाल मुरतब करता, सैयद मूसा मुझसे पहले निहायत वाजे और वसी अंदाज में उस्ताद के सामने बयान कर दिया करते थे। सैयद मूसा अपने दर्स में निहायत मुनज्जम, दकीक और मुमताज थे। सिलसिले इमामत की आठवीं कड़ी इमाम अली इब्ने मुसर्रदा अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत के मौके पर आयतुल्ला सदर ने अपने फर्जंद को अमामा और लिबासे रसूल से ज़ेब-तन किया। उस मौके पर आयतुल्ला सदर के घर में अजीम शान महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें हौज़े इल्मिया के जय्यद उलमा और असातिज़ा मौजूद थे, और इमाम खुमैनी की मानवी मौजूदगी ने इस महफिल की रौनक में मजीद इजाफा कर दिया था। आयतुल्ला सैयद अहमद शुबैर जंजानी ने अपने हाथों से सैयद मूसा सदर के सर पर अमामा रखा। उस वक्त से काला अमामा और लंबा जब्बा सैयद मूसा की पहचान बन गया। सैयद मूसा अपने असातिज़ा के बहुत करीब थे। कुम के असातिज़ा में ये रिवाज था कि जब भी इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए मशहद जाया करते थे तो अपने करीबी शागिर्द को अपना हमसफर मुंतखब किया करते थे, और ये हौज़े इल्मिया में बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहद के सफर में अक्सर इमाम मूसा सदर को अपना हम सफर मुंतखब किया करते थे। कमसिन मूसा सदर अपने तालिबे इल्मी के दौरान ही मसनद तदरीज पर उस्ताद बन के बैठे, और उनके बेहतरीन बयान की वजह से उनके दर्स में तालिबे इल्मों की एक अजीम तादाद इकट्ठा हुआ करती थी। यहाँ तक कि मस्जिद हजरत मासूमा अपनी तमाम वसअतों के बावजूद तालिबे इल्मों से भर जाया करती थी। वो तालिबे इल्म भी थे और उस्ताद भी, दर्स पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। तालिबे इल्मों की कसीर तादाद उनके दर्स में शरीक होती थी। उनके दर्स की बड़ी शोहरत थी। उनका पढ़ाने का और दर्स देने का अंदाज बहुत मुनफरिद खसूसियतों का हामिल था। हौज़े इल्मिया में उनका हल्का दर्स एक अजीम मकाम हासिल कर चुका था, और सैयद सदर का शुमार हौज़े के अजीम उलमर्तबा जय्यद उलमा और असातिज़ा में होने लगा था। सैयद मूसा सदर मकाम इश्तेहाद पर फायज होने से पहले अपने वालिद की तकलीद किया करते थे। तकलीद शरे अहकाम में फकी आलम की पैरवी करने को कहते हैं, और फकी उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस से मुकर्रा उसूलों की बुनियाद पर इश्तेहाद करके शरे अहकाम को हासिल करता है। जब से मैं सैयद मूसा को जानता हूँ, वो अगर किसी की तकलीद करते थे
تو اپنے والد کی تقلید کرتے تھے، پھر وہ خود درجہ اجتہاد پر فائز ہو کر صاحب نظر ہو گئے اور کسی کی تقلید میں نہیں تھے۔ ہاں، یقوم کے قیام کے آخری ایام کی بات ہے، شاید ابتدا میں وہ اپنے والد محترم یا جد امجد کی تقلید میں ہو، لیکن جب وہ اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے تو خود صاحب نظر ہو گئے، تو پھر انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر نے نہایت کم سنی میں قوت اجتہاد کو حاصل کر لیا۔ کم سنی کے عالم میں اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہونا ان کا خاندانی شیوا تھا۔ ان کے چچازاد بھائی شہید محمد باقر الصدر 18 سال کی عمر میں ہی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ ان کے چچا سید حیدر یعنی شہید باقر الصدر کے والد کا فقہی مباحث پر حاشیہ آج بھی مشکلات الحیدریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے والد سید صدر، دادا سید اسماعیل اور پردادا سید صدر الدین سب کے سب کمتنی میں درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے سلسلے میں زبان زدے عام و خاص ہیں۔ ان کے والد کے ایک چچا کا کمتنی سے ہی آقا مجتہد نام پڑ گیا تھا، لہذا اتنی جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہونا ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر منطقی، محکم اور متقن استدلال کے مالک تھے۔ بعض علمی اور شرعی مسائل میں اپنا خاص نظریہ رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس نظریے کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ اپنے استدلال اور نظریے میں اتنے مضبوط تھے کہ فقہا کے اجماع کے برخلاف شہرت فتویٰ کے باوجود بے جھجک اپنے نظریے کو بیان کرتے اور عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر ہونا اور روزہ نہ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ سفر کی مشقتوں میں ایک مشقت کا اضافہ نہ ہو، لیکن آج کا سفر مشقتوں والا نہیں ہے بلکہ بہت ہی آرام دہ ہو چکا ہے، اس لیے قانون اس پر جاری نہیں ہوگا۔ لہذا سید موسیٰ صدر سفر کے عالم میں بھی نماز قصر نہیں بلکہ مکمل پڑھتے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ سید موسیٰ صدر حوضہ علمیہ قم میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، اور حوضہ علمیہ قم کے 3 نامی گرامی اساتذہ نے امام موسیٰ صدر کے اجتہاد کی تصدیق کی تھی۔ فقہی اور اصولی مسائل میں صاحب نظر ہونے کے باوجود انہوں نے نجف اشرف جانے کا عزم کیا۔ حوضہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ بروجردی سے اجازت اور تائید حاصل کرنے کے بعد سید موسیٰ نے عراق کا سفر اختیار کیا اور 1959 تک ان کا وہاں قیام رہا۔ نجف اشرف عالم تشیع کا مرکز ہمیشہ سے علماء کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ علوم دینی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نجف اشرف کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے، کیونکہ باب مدینۃ العلم کے جواز میں علم حاصل کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سید موسیٰ صدر نے بہت سے مراجعین کے درس میں شرکت کی ہے، جیسے آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ مرتضی الیاسین، آیت اللہ ابو القاسم الکھوئی، آیت اللہ عبد الہادی شیرازی، آیت اللہ حسین الحلی، آیت اللہ صدر باد کوبا، آیت اللہ سید محمود شہرودی وغیرہ۔ سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید موسیٰ صدر اور ان کے چچازاد بھائی سید محمد باقر صدر میں بہت گہرے تعلقات تھے، وہ ساتھ ہی درس پڑھتے تھے اور مباحثہ بھی کرتے تھے۔ لبنان کے قیام کے کئی سال پہلے جب امام موسیٰ صدر نجف اشرف گئے تھے تو وہاں کئی مراجعین کے پاس علم حاصل کیا تھا، جیسے مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم، مرحوم آیت اللہ کھوئی۔ یہ دونوں بزرگوار امام موسیٰ صدر کو بہت چاہتے تھے اور دونوں نے امام موسیٰ صدر کو بہت سے علمی موضوعات پر سوالات بھی کیے، جس کا امام موسیٰ صدر نے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ آیت اللہ کھوئی نے امام موسیٰ صدر کے ایسے بہت سے ارشادات کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔
نجف اشرف کے جلیل القدر مرجع آیت اللہ شیخ الیاسین سید موسیٰ صدر کے ماموں تھے۔ امام موسیٰ صدر اور ان کے دو بھائی سید محمد باقر الصدر اور سید اسماعیل الصدر اصول استنباط کا درس خارج خصوصی طور سے آیت اللہ شیخ الیاسین کے محضر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس درس میں ان تینوں کے سوا کوئی شریک نہیں ہوتا تھا۔ میرے نجف اشرف پہنچنے کے بعد سید موسیٰ نجف آئے، انہوں نے آگاہ کھوئی کے درس میں شرکت کرنا شروع کیا۔ شروعاتی دنوں میں ہی انہوں نے اشکال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو سید موسیٰ، یہ قم نہیں ہے، یہاں اگر زیادہ اشکال کرو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تمہارے خلاف ہو جائے۔ کہنے لگے، مجھے اپنی بات کہنے دو، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ واقعی وہ نہایت ہی تیز فہم تھے اور مباحثات میں بہت ہی مضبوط۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں پانچ لوگ علمی موضوع پر بحث کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک موسیٰ صدر ہوں گے۔ امام موسیٰ صدر نے نجف اشرف میں بھی قم کی طرح اپنی علمی برتری کو برقرار رکھا اور نجف کے علماء فقہا مراجع عظام کے نزدیک ان کے لیے ایک خاص احترام تھا۔ ان کی منزلت کا عالم یہ تھا کی بعض اساتذہ درس کے دوران کسی کو بھی اشکال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، صرف اور صرف سید موسیٰ صدر کو اجازت تھی اور اساتذہ غور سے ان کے اشکالات کو سنا کرتے تھے۔ حوزہ علمیہ میں علماء کے درمیان یہ چیز اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی۔ وہ اجتہاد جو استنباط احکام کے جملہ معینہ علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ان میں صاحب نظریہ ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو نہج حوزہ علمیہ میں منہاج جواہری کے نام سے مشہور ہے، جو محقق اردبیلی اور شیخ انصاری جیسے گہری عمیق و دقیق نظر رکھنے والے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ امام موسیٰ صدر فقیہ مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ شناس بھی تھے اور ان سے اتنی ہی امیدیں وابستہ تھیں جتنی ایک علمی خاندان کے وارث سے ہونی چاہیے۔ سید موسیٰ نہایت ہی لطیف ادبی ذوق کے مالک بھی تھے۔ آج بھی ان کی بہنوں کو ان کے بہت سے اشعار یاد ہیں جو انہوں نے نجف اشرف کے قیام کے دوران اپنی ماں کے نام لکھ کر قم بھیجے تھے۔ اے لطافت و محبت کی پیکر ماں، جس کے بس نام سے میری روح کو سکون ملتا ہے، تیرے قدموں پہ اپنے آنسوؤں کا سیلاب بہا دوں، اے وہ جس سے میرا آغاز، جس پر میرا انجام۔ میرا انجام صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے نہیں۔ میری جان قربان اس پر جس نے مجھے زیور ہستی سے نوازا ہے۔ سید موسیٰ صدر نے 1956 میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ان کی عمر 28 برس تھی۔ ان کے استاد منوچہر خاکانی نے شیخ عزیز اللہ خلیلی کے گھرانے سے تعارف کرایا اور ان کی دختر نیک اختر پروین خلیلی سے سید موسیٰ صدر کا نکاح ہو گیا۔ اس طرح دونوں گھرانوں کے پرانے تعلقات اور گہرے ہو گئے۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے انہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطا ہوئیں، صدر الدین حمید، حورا اور ملیحا۔
मूसा सदर का घराना ईरान में एक सियासी घराना था और वहाँ की सियासत में निहायत अहम किरदार अदा करके ईरान की हालिया तारीख में अपना एक मकाम हासिल कर चुका था। हालांकि कुम का कदीमी हौजवी तबका अपने खास नुक्ते नजर के मुताबिक हमेशा उलमा की सियासी सरगर्मियों का मुखालिफ रहा था, लेकिन आयतुल्ला सदर का घराना हमेशा सियासी सरगर्मियों के साथ ही पहचाना जाता था। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। हमें आज भी याद है कि उलमा के घराने में अखबार, रिसाले, मैगजीन वगैरह नहीं पढ़े जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हम लोग पढ़ते थे, पहले हमारे वालिद पढ़ते थे, उस वक्त हम लोग बड़े छोटे थे। हमारी बड़ी बहन बताती हैं कि अखबार और रिसाले हमारे यहाँ बराबर पाबंदी के साथ आते थे। हमारे यहाँ के लोग खुद भी पढ़ते थे और लोगों को भी आगाह करते थे। जिस जमाने में फलस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा करके फलस्तीनियों से उनकी सरजमीन छीन ली, तो वहाँ के अखबार पढ़ पढ़ के हमारे वालिद मदरसे के सहन में बेचैनी और इस्तराब की हालत में टहलते और गिरिया करते और उसी गिरिया के आलम में दर्स देने जाया करते थे। रास्ते में लोग ताज्जुब से उन्हें घेर लेते और घबरा के पूछते, आगा क्या बात है? हमारे वालिद उन्हें हालात से आगाह करते थे। हमारे वालिद जमाने के साथ साथ जिंदगी गुजारते थे। मुजाहिदों और मुस्तस्फों की तारीख में उनके तमाम अहम मसाइल में बराबर के शरीक थे। जिस तरह इमाम रूहुल्लाह खुमैनी एक फकीह मुजाहिद थे जिन्होंने ईरान में इनकलाबी इस्लाम के जरिए दीनदारी की शुरुआत की और उसे नई हयात बख्शी जिसे तारीख भुला नहीं सकती, उसी तरह सैयद मूसा सदर के वालिद आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर ने भी मुसल्ला इनकलाबी गिरोह की सरपरस्ती करके मुफाद शरीयत में अहम किरदार अदा किया है। आपकी तहरीर इमाम खुमैनी के 1963 में पहले कयाम यानी कयाम पुज्दा खुर्दाद से पहले थी, जिसमें फिदयान इस्लाम के एक मुसल्लहा गिरोह ने ईरान में शहंशाही निजाम को खत्म करके इस्लामी हुकूमत बरकरार करने की खातिर पुरजोर कयाम किया था। इस तहरीक की क़यादत नवाब सफवी कर रहे थे। हौज़े इल्मिया कुम उस वक्त हैरत में पड़ गया जब आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर ने नवाब सफवी की तहरीक की सरपरस्ती का ऐलान कर दिया। उस वक्त हौज़े इल्मिया के मराजे उलमा और असातेज़ा के दरमियान ये बहुत ही अजीब व गरीब बात समझी जाती थी कि आयतुल्ला सदर जैसा मरजे व किसी मुस्लिहा इनकलाबी गिरोह के साथ नजर आए जो हुकूमत का तख्ता पलटने, हुकूमती इदारों को बदलने और हुकूमती अहलकारों का सफाया करने और नए सिरे से एक इस्लामी हुकूमत के कयाम के लिए हुकूमत से रमज व राज हासिल करने में सरगर्म हो। आज ये बात पूरे ईरान में मशहूर है कि शहीद नवाब सफवी और शहीद अब्दुल हुसैन औहदी दोनों आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर के मुकल्लिदीन में से थे। इसी तरह तंजीम फिदायीन इस्लाम का हर फर्द उनका मुकल्लिद था। फिदायीन इस्लाम हमेशा आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर से राबिते में रहते थे और ईरान में इस गहरे राबिते की शोहरत आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर की वफात के बाद हुई, जब उनकी मजलिस तरहीम में फिदायीन इस्लाम ने अपने मर्जा मुकल्लिद की वफात का सोग मनाने का ऐलान किया। यही नहीं बल्कि सैयद मूसा सदर के जद्दे अमजद सैयद हुसैन तबातबाई कुम्मी ने भी आयतुल्ला सैयद अबुल हसन इस्फहानी की वफात के बाद आलम शियत की मरजियत संभाली और शाह रजा खान पहलवी अव्वल के खिलाफ जबरदस्त सियासी मोर्चा कायम किया। उस जमाने में मूसा सदर की उम्र 7 बरस की थी और बचपन के आलम में ये उनका पहला सियासी तजुर्बा था। जब शाह रजा खान पहलवी अव्वल ने पर्दे के खिलाफ मना हिजाब का कानून लागू करके ख्वातीन के लिए अवामी जगहों पर बेपर्दा आना लाजमी कर दिया, तो आयतुल्ला सैयद तबातबाई ने हौज़े इल्मिया के मुरव्वजा रविश के खिलाफ एक तारीख साज सियासी फतवा जारी किया। मना हिजाब की साजिश के खिलाफ हर तरह से मुकाबला आराई करना जायज है, चाहे इस राह में लाखों की जाने मिन जुमला खुद मेरी भी जान क्यों न चली जाए। इस फतवे के बाद
عوام کا ایک عظیم سیلاب امڑ پڑا 1937 میں ایک عوامی تحریک کی صورت میں مشہد مقدس کی عوام اپنی سیاسی اور دینی رہنما کی قیادت میں سڑکوں پر نکل آئی اور امام رضا کے حرم میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا شہنشاہی فوج نے مداخلات کی مظاہرین پر بندوقیں چلا دی یہاں تک کہ امام رضا کی زرہ کو بھی کافی نقصان پہنچا جس کے بعد آیت اللہ سید طباطبائی کو حراست میں لے لیا گیا اعتراض میں مشہد کے بہت سے مومنین نے مسجد گوہر شاد میں نماز کے بعد دھرنا دیا اور حکومت سے سید طباطبائی کی رہائی کی مانگ کی لیکن اس بار بھی شاہی افواج نے نمازیوں کا قتل عام کیا شہداء کے خون سے تحریک میں رنگ آ گیا آخر کار سید طباطبائی کو رہا کرنا پڑا لیکن شاہ نے انہیں رہا کر کے اپنی خاص حفاظتی دستے کی نگرانی میں عراق کی جانب جلا وطن کر دیا لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد جس کے نتیجے میں محمد رضا شاہ اپنے باپ کی جگہ تخت شہنشاہی پر قابض ہوا موقع مناسب دیکھتے ہوئے آیت اللہ سید طباطبائی نے اپنی 7 سالہ جلا وطنی کے بعد مشہد لوٹ آئے جس شہر جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرا استقبال میں لوگ اس طرح نکل آئے جیسے کوئی عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہو مشہد پہنچنے کے بعد سید طباطبائی نے شاہ کو سخت لہجے میں خط لکھا جس میں انہوں نے منع حجاب کے قانون کو باطل قرار دینے کی ہدایت کی امام موسیٰ صدر کے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے ایران کے دینی اور سیاسی گھرانوں کی تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اسی پرورش نے سید موسیٰ صدر کی سیاسی شخصیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ ان کے کردار اور رفتار کی اہم بنیاد وہ قانون وراثت ہے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں پایا ہے اور اسی لیے وہ معاشرتی اور سیاسی مسائل میں گہرائی سے دلچسپی لیا کرتے تھے سید موسیٰ ہمیشہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے علماء دین سے ایک خاص تعلق رکھا کرتے تھے وہ اخبار اور رسالوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا کرتے تھے ایران کے سیاسی افراد سے مستقل رابطے میں تھے مجھے علم نہیں کہ وہ خود کس حد تک ایران کی سیاست میں داخل تھے وہ جدید رونما ہونے والے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے وہ صرف ایران کے سیاسی مسائل سے واقف نہیں تھے بلکہ دوسرے ملکوں کے مسائل کا بھی گہرائی سے تجزیہ کیا کرتے تھے سیاست اور جدید مسائل کے سلسلے میں اگر طالب علم کسی سے پوچھنا چاہتے تو وہ سید موسیٰ کے پاس ہی آیا کرتے تھے مثال کے طور پر حجاز میں کیا ہو رہا ہے مصر کے کیا مسائل ہیں عالم اسلام کے مسائل کیا ہے جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے اور امام موسیٰ صدر گہری نظر رکھنے والے ایک سیاسی مفسر کی حیثیت سے ان مسائل کا تجزیہ پیش کیا کرتے تھے عام لوگ بھی ان کے پاس آتے اور اس سلسلے کے ہر سوال انہی سے معلوم کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی محبت سے ان سے پیش آتے اور شوق سے انہیں جواب دیا کرتے تھے سید موسیٰ کے تعلقات صرف طلاب سے ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ان کے تعلقات تھے چاہے وہ تاجر ہو سیاسی ہو صحافی ہو یا کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا ہو پچاسویں دہائی کی ابتدا میں ایران میں اسلامی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا ان میں 3 تحریکیں قابل ذکر ہیں پہلی اور نمایاں تحریک نواب صفوی کی سربراہی میں ہدایہ نے اسلام کی تحریک ہے جس نے شہنشاہی نظام کے خلاف مقابلے کے لیے مسلحانہ رویش کو اپنایا اور انہیں بہت سے آپریشن میں کامیابی بھی ملی جیسے کتربی حجیب رزما آرا جیسے آپریشن اس تحریک کو کم کے بعض علماء کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی ان میں سے سب سے بڑھ چڑھ کر سید موسیٰ صدر کے والد یعنی فدائیوں کے مرجع آیت اللہ صدر الدین صدر کی حمایت تھی دوسری تحریک ایک خاص طبقے میں مخصوص تھی جس میں علماء دانشور اور خاص خاص افراد شامل تھے حالانکہ اس تحریک میں علماء حضرات بھی تھے لیکن غلبہ لبرل لوگوں کا تھا تالکانی اور بازرگان بھی اس میں شامل تھے اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت کی بنا پر محمد مصدق کی تحریک میں دینی رنگ بھی پایا جاتا تھا اس طرح ایک فکری اور اسلامی تحریک نرم رفتاری کے ساتھ خاص خاص حلقوں میں چل رہی تھی اور ابھی وسیع عوامی تحریک کی صورت اختیار نہیں کی تھی امام خمینی کی تحریک بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی انہوں نے مرجعیت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی اس وقت کے حوزہ علمیہ کے سرپرست مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی نے امام خمینی کو سیاسی اور حوزوی امور میں مشیر خاص کے طور پر
انتخاب کیا تھا۔ امام خمینی حوزہ علمیہ کے اتحاد اور یکجہتی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف آیت اللہ بروجردی کے فیصلوں کے حد تک ہی عمل کیا کرتے تھے۔ اپنے طور پر سید موسیٰ تحریک فدائیان اسلام کے سربراہ نواب صفوی کے ساتھ گہری عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، ان کے انقلابی افراد کا خاص احترام کرتے اور ہمیشہ ان کی حمایت کیا کرتے تھے، لہذا ان کے والد کا مکان ان خاص مقامات میں سے تھا جہاں نواب صفوی کے افراد اطمینان میں جایا کرتے تھے۔ سید صدر نے ڈاکٹر محمد مصدق اور آیت اللہ کاشانی کی پیٹرول نیشنلائزیشن تحریک کی کامیابی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صدر خاندان کے ڈاکٹر مصدق کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے، لیکن سید موسیٰ صدر اور امام خمینی کے تعلقات ایک استاد اور شاگرد جیسے تھے۔ وہ آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ شہید بہشتی، آیت اللہ مطہری کے ساتھی اور آقائے رفسنجانی کے استادوں میں سے تھے۔ آیت اللہ مطہری کے ساتھی اور آقائے رفسنجانی کے استادوں میں سے تھے، اور یہ سب کے سب انقلاب اسلامی ایران کے سربراہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایران میں کمیونسٹ فکر رکھنے والی حزب توداہ کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھی، اور کمیونسٹ فکریں ایران میں بری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت حزب توداہ کمیونسٹوں کی سربراہی کر رہی تھی، وہ لوگ بڑے پیمانے پر کام کر رہے تھے، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران انہیں متفقین کی حمایت بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ شاہ ایران جرمن کی طرف مائل تھا، تو متفقین نے حزب توداہ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ جرمن کے خلاف جم کر کام کرے۔ اسی دوران حزب توداہ کو بہت کامیابی حاصل ہوئی اور کافی طاقت میں بھی آ گئے۔ انہی دنوں سید موسیٰ صدر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اور کمیونسٹوں کی سرگرمیاں یونیورسٹی کے طالب علموں میں اتنی زیادہ تھیں کہ وہاں کی عام فضا دین کے خلاف کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ دیندار طالب علم اپنے دینی رجحانات کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حوض علمیہ کے ابھرتے ہوئے جوان علماء کمیونسٹ حزب توداہ کے بڑھتے ہوئے رسوخ سے بہت فکر مند تھے۔ دوسرے علماء بھی اس واقعے سے پریشان تھے، لیکن روایتی طرز کے علماء جوان طبقے کو کانے نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ مقابلے کے لیے لان و نفرین و نفرت، یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی روش کو اپناتے تھے۔ لیکن سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی جیسے علماء جوانوں کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان افکار کا مقابلہ تفہیم و تفاہیم، بحث و مباحثات سے ہی کیا جا سکتا ہے، فکر کا مقابلہ فکر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سید موسیٰ نے اس مقابلے میں آنے سے پہلے مارکسزم کی ساری اہم کتابوں کا دورہ اور مجموعہ خریدا اور سب کا بغور مطالعہ کیا۔ میرے پاس بھی مارکسزم کی کافی کتابیں تھیں جنہیں شہید مطہری مجھ سے مطالعے کے لیے لے جایا کرتے تھے، تاکہ ان کے افکار اور نظریات کا تجزیہ کر کے ان کا مدلل جواب دے سکے۔ اسی بنا پر سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی یونیورسٹی کے طلاب کے ساتھ اتحاد و اتفاق پر زور دیتے تھے، اور یونیورسٹی میں پھیلے ہوئے مارکسزم کے روک تھام کے لیے فکری اور علمی مقابلہ آرائی ضروری سمجھتے تھے۔ یونیورسٹی میں سید موسیٰ صدر اور ان کے حوزے اور اکیڈمی کے ساتھی سید محمد حسینی بہشتی کے وجود سے اسٹوڈنٹس کی اسلامی تنظیموں کو بے حد تقویت ملی، کیونکہ یہ دونوں انہی کی زبان میں بحث و مباحث کے ہنر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی حوزے علمیہ کے ابھرتے ہوئے ان جوان علماء میں سے تھے جو یونیورسٹی کے طالب علم اور دانشوروں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کے خواہاں تھے، اسی لیے یہ دونوں اسٹوڈنٹس کی جانب سے منعقد ہونے والے ہر جلسے میں اور اجتماع میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سید خسرو شاہی اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہم بھی اپنی جانب سے یہ چاہتے تھے کہ حوض علمیہ سے ہمارے تعلقات استوار ہو، اسی لیے ہم لوگ گروپ بنا کر کئی بار علامہ طباطبائی کے پاس علمی گفتگو کرنے کم جایا کرتے تھے۔ شیعہ علماء دین کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کمیونسٹ کتاب کے منتشر ہونے سے حوزہ علمیہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکنے اور بار بار چھپنے لگی۔ اس انحراف سے مقابلے کے لیے حوزہ علمیہ میں ایک ہنگامی اجتماع ہوا، جس میں سید موسیٰ صدر، سید محمد بہشتی اور بہت سے جوان علماء شامل تھے۔ تو یہ پایا کہ جلد از جلد اس کا مناسب جواب دیا جائے۔ جی ہاں، علماء کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کتاب کمیونسٹوں نے چھپوا کر منتشر کی، جس پر اس زمانے میں شہید مطہری نے بہت اچھا جواب لکھا۔
शहीद मुताहरी ने अपने कुछ साथियों मिन जुमला सैयद मूसा सदर के साथ मिलकर इस किताब का मुदल्लल जवाब लिखा। बहरहाल सैयद मूसा के पास वो अहलियत भी थी और उनके पास वसाइल भी फराहम थे जो कि हमारे पास इतने नहीं थे, वो सहूलतें नहीं थी जो उनके पास थी। सैयद मूसा सदर ने हौज़ा इल्मिया कुम के अपने बहुत से रफ़क़ा से एक दीनी रिसाला जारी करने की तजवीज रखी और इस सिलसिले में हर तरह से ताउन करने का वादा भी किया, लेकिन हौज़ा इल्मिया की रिवायती फिजा जहां अखबार मैगजीन पढ़ना ऐब समझा जाता था ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इल्म दीन के तालिब इल्म का अखबार या मैगजीन पढ़ना उसकी तकवा से दूरी और ईमान के कमजोर होने की दलील समझा जाता था। ऐसे माहौल में अगर कोई अखबार या मैगजीन निकालने लगे तो उसके तकवे और ईमान का क्या हाल होगा। ऐसे माहौल में इस काम की जिम्मेदारी लेना एक खास हिम्मत और जुर्रत का काम है। आखिरकार आयतुल्ला अल उज़्मा बुरुजर्दी की हिमायत से 1958 में मकतबे इस्लाम नामी पहला इस्लामी और हौज़वी रिसाला मुंतशिर हुआ। रिसाले के निकलते ही हर तरफ से आयतुल्ला बुरुजर्दी के पास एतराज में खतूत आने लगे ताकि रिसाले की इशाअत बंद कर दी जाए। आकाए शरीयत मदारी सैयद मूसा सदर को बहुत मानते थे और उनकी बहुत सी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी, इसलिए उन्होंने हौज़ इल्मिया के रिसाले की इशाअत के लिए तरगीब दिलाया और मूसा सदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हौज़ इल्मिया के रिसाला मकतबे इस्लाम की बुनियाद रखी। मजामीन की फराहमी में हौज़ इल्मिया के बहुत से उलमा और फजला ने हिस्सा लिया और इस तरह रिसाले की इशाअत और मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। सैयद मूसा सदर को चार जबानों में यानी अरबी, फारसी, इंग्लिश और फ्रेंच में मुकम्मल उबूर हासिल था, इसीलिए उन्हें मजामीन की तसहीह, तस्दीक और उसकी हौज़ इल्मिया के शायान शान इल्मियत और अफादियत के परखने का अहम काम सौंपा गया। हम लोग रिसाले मकतबे इस्लाम के जरिए सैयद मूसा सदर की शख्सियत से आशना हुए। यह रिसाला सच में इस्लामी तालीमात का एक अजीम मकतब था जो 50-60 की दहाई में हर महीना फारसी जबान में निकलता था। वाकयन अपनी नौईयत में मुनफरिद रिसाला था। हौज़ इल्मिया के कुछ जवान और रोशन फिक्र उलमा जदीद तर्ज पर जवानों के लिए उसे निकालते थे और मैं खुद उसी रिसाले के जरिए सैयद मूसा सदर की शख्सियत से वाकिफ हुआ। इमाम मूसा सदर हयात तहरीरिया के सदर थे और वो खुद ज्यादातर इस्लामी इक्तिसाद के बारे में लिखा करते थे और ये हम जैसे जवानों के लिए बहुत ताज्जुब खेज बात थी क्योंकि हमने नहीं देखा था कि एक आलिम दीन मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स के बारे में गुफ्तगू करें और इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम को बयान करें। हमें नहीं मालूम था कि इकोनॉमिक्स में इस्लाम का भी कोई नजरिया है, वो भी इस कदर वसी, जामे और मुस्तहकम। रिसाला मकतबे इस्लाम में एतकादी, तारीखी, अखलाकी, तफसीरी वगैरह जैसे कई किस्म के मौजूआत पर इस्लामी मजामीन पाए जाते थे, लेकिन सैयद मूसा सदर ने अपने मजामीन में इस्लाम के इक्तसादी निजाम को ज्यादा तवज्जो दी है और उनके उन मजामीन के बिना पर आयतुल्ला डॉक्टर मुर्तजा मुताहरी ने उन्हें बहुत सराहा है। शहीद मुताहरी रिसाले मकतबे इस्लाम के मजामीन को बड़े गौर और तहकीकी नजर से देखा करते थे। बहुत से मजामीन पर अपने हाशिए भी रकम करते थे। मुझे याद है कि इस्लामी निजाम इक्तिसाद के सिलसिले में जमाने के तकाजों के मुताबिक उन मुबाहिस की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए जो मजामीन सैयद मूसा सदर ने अपने सलीस, सादा और रवां कलम से तहरीर किए थे उन्हें शहीद मुताहरी ने बहुत सराहा, क्योंकि इस किस्म के मजामीन उस दौर में बिल्कुल नए थे और शदीद जरूरत महसूस करने के बावजूद कोई भी इस किस्म के मौजू पर कलम उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। सैयद बाकर सदर ने इस्लामी इक्तसाद में मजामीन उस वक्त तहरीर किए जबकि अभी शहीद बाकर सदर ने अपनी किताब इक्तसाद उना नहीं लिखी थी। इस तरह से सैयद मूसा सदर हौज़े इल्मिया के वो पहले आलिम दीन थे जिन्होंने उस वक्त सोशलिज्म के बढ़ते हुए इन्हिराफ को रोकने के लिए इक्तसाद में इस्लामी नुक्ते नजर को दिगर मकातिब फिक्र से मुवाजना करते हुए मुदल्लल अंदाज में पेश किया। रिसाला मकतबे इस्लाम की बुनियाद रखने के कुछ ही महीनों बाद
सैयद मूसा सदर लुबनान के रहनुमा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन की दावत पर ईरान से लुबनान हिजरत कर गए। 1959 में सैयद मूसा सदर के लुबनान में कयाम के साथ ईरान में इमाम खुमैनी की तहरीक में नया मोड़ आया। 1963 में वसी पैमाने पर एक अवामी कयाम का आगाज हुआ जो कयाम खुरदाद के नाम से मशहूर है, जिसके बाद इमाम खुमैनी को जिला वतन कर दिया गया। उसके बावजूद सैयद मूसा सदर का राबिता अपने उस्ताद से ना टूटा, बल्कि शिया इस्लामी मजलिसे आला का दफ्तर लुबनान के शहर हाजमिया में ईरान का मरकज बन गया। लुबनान, खासकर बैरूत में शाह ईरान की खुफिया एजेंसी के खिलाफ सैयद मूसा सदर की खामोश जंग इंकलाब इस्लामी की कामयाबी की जद्दोजहद की अहम कड़ी है, जिसके पोशीदा हकायक सैयद मूसा सदर के अगवा हो जाने से सामने ना आ सके, वरना आयतुल्लाह खामेनेई शहीद बहिश्ती और शहीद मुताहरी की तरह ईरान के इस्लामी इंकलाब के अहम रहनुमाओं में सर फहरिस्त सैयद मूसा सदर का भी नाम होता। ऐसे लोग कम हैं जिन्होंने सैयद मूसा सदर की शख्सियत के हर पहलू को सही से समझा हो। न जाने कितने मुसाफिर ना पा सके मंजिल एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से।